दरअसल अलीगढ़ की थाना बन्ना देवी की पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी तो उसको एक कार संदिग्ध दिखाई दी। जब उसकी चेकिंग की गई तो प्राइवेट इनोवा क्रिस्टा कार संख्या UP 32HS 5291 पर अनाधिकृत तरीके से पुलिस के DIG रैंक के अधिकारी की प्लेट उत्तर प्रदेश शासन का मोनोग्राम गृह मंत्रालय नई दिल्ली के विभिन्न स्टीकर व पासबुक वाहन तथा NIA की तरफ से अनुचित तरीके से तैयार की गई जांच आख्या व वॉकी टॉकी गाड़ी से बरामद हुए। गाड़ी में अनुज चावला एवं उसके पिता राजेंद्र चावला जो कि 84 समर बिहार थाना मानक नगर जनपद लखनऊ के निवासी है उनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आया कि अनुज चावला ने BA पास करके देहरादून से LLB की पढ़ाई की थी। अनुज चावला स्वयं को पुलिस विभाग में IPS अधिकारी बताकर लोगों से नौकरी लगवाने व काम कराने के रूप में लेता था। अनुज खुद को IPS अधिकारी बताकर शादी कराने की बात कहकर लोगों को भी धोखे में रखकर उनसे संबंध बनाता था। अनुज चावला के कई लड़कियों से संपर्क में होने तथा उनसे शादी तय होने के बाद रिश्ता टूटने की बात भी जानकारी में आई है। पुलिस ने दोनों ही पिता पुत्र को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस को इसके पास से एक इनोवा क्रिस्टा गाड़ी, एक टैबलेट पैड, दो वॉकी टॉकी और कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। पुलिस अब उनको जेल भेजने की तैयारी कर रही है। के आधार पर दो लोगों को इनोवा गाड़ी जिसमें DIG का लोगो होता है वो लगा हुआ पकड़ा था, उनसे पूछताछ करके रोका था। रुकने के बाद से उनसे पूछताछ की गई सस्पेक्ट के आधार पर कि जो गाड़ी में DIG का लोगो लगा हुआ था वो DIG के मानक के अनुसार से लोग इस पर व्यवहार नहीं कर रहे थे। इनसे पूछताछ की गई, सख्ती थोड़ा सा की गई तो इन्होंने अपने को नाम बताया, एक अनुज चावला है और इनके पिता हैं राजेंद्र प्रसाद। दोनों लोगों ने बताया है कि ये लड़का अनुज चावला है वो फर्जी IPS के रूप में अपोजिट करते हैं, उसमें इनके फादर भी साथ देते हैं। इन लोगों ने जो NIA है, NIA की जो जांच होती है वो जांच को भी रख इनके पास से मिला है। इनके पास से जो सामान मिला था जो उन पूछताछ किए, इनोवा गाड़ी है जिसमें लोग पकड़े गए जो बैठे थे, इनके पास वो टैबलेट पैड मिला और 2 अदद वाकी टाकी मिला और एक फोल्डर में कागजात मिला। तो इसको देख करके लगता है कि साहब एक आदमी यंग आदमी बैठा है, उसका एक आदमी एक ओल्ड बैठा है और वाकी टाकी रखा है और ड्राइवर है। तो जो कि पुलिस में हम लोग काम करते हैं और पुलिस का अफसर DIG और IG के बारे में हम लोग काफ़ी इंटरेक्शन होता रहता है, तो उसके आधार पर इनसे पूछताछ की गई, सर्टिफिकेट जारी किए जाहिर किया कि तीनों ने अपनी जो फर्जी होने का बात स्वीकार कर लिया कि हम लोग फर्जी हैं। इनके आधार पर हम लोगों ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। इसके संबंध में थाना बन्ना देवी में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। क्राइम नंबर 352/20, धारा 170, 420, 466, 468, 474 पंजीकृत कर लिया गया है। इनके जो जिस गाड़ी में थे वो गाड़ी कब्जे में है। इनके पास जो सामान था वो सामान भी हम लोगों ने उसको फर्ज बना लिया है। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं, सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। अपने बयान में इन लोगों ने कुछ बातें तथ्य ऐसा बताई है कि ये जो इसका जो फादर है अपने बेटे को IPS बता करके शादी दो तीन जगह शादी करने का प्रयास किया, बातचीत भी हुई फिर टूट भी गया, उसके बारे में वेरीफाई किया जा रहा है। ये भी बात इसमें बताया है कि ये लोग IPS का रुतबा दिखा करके और नौकरी लगाने का भी झांसा देते थे जिसके नाम पर उन्होंने एक्सटॉर्शन करते थे, उसके संबंध में वेरिफिकेशन अभी किया जा रहा है। वेरिफिकेशन होने के बाद से जो तथ्य इसमें आएंगे वो इस पर विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा, सम्मिलित करके इसमें आगे फर्दर इसमें कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों लोगों को इनके पिता पुत्र को माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है और इसमें विवेचना आगे इसमें अभी चल रही है और जो तथ्य इसमें बताया है वो वेरिफिकेशन की जा रही है।